इसरो को चांद पर विक्रम लैंडर की स्थिति का पता चल गया है। ऑर्बिटर ने थर्मल इमेज कैमरा से उसकी तस्वीर ली है, जबकि उससे अभी भी कोई संचार स्थापित नहीं हो पा रहा है। ये भी खबर है कि विक्रम लैंडर लैंडिंग वाली तय जगह से 500 मीटर दूर पड़ा हुआ है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे ऑप्टिकल हाई रिजोल्यूशन कैमरा यानी कि OHRC ने विक्रम लैंडर की तस्वीर ली है। अब इसरो वैज्ञानिक ऑर्बिटर के जरिए विक्रम लैंडर को संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन किया जा सके। बता दें कि इसरो के विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि बेंगलुरु में स्थित इसरो सेंटर से लगातार विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर को संदेश भेजा जा रहा है ताकि कम्युनिकेशन शुरू किया जा सके। इसरो प्रमुख के सिवन ने बताया कि हमें विक्रम लैंडर के बारे में पता चल गया है, वो चांद की सतह पर ही देखा गया है। ऑर्बिटर ने लैंडर की एक थर्मल पिक्चर ली है, लेकिन अभी तक कोई भी संचार स्थापित नहीं हो पा रहा है और हम संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कितना काम करेंगे इसका तो डेटा एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। इसरो वैज्ञानिक अभी ये पता कर रहे हैं कि चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर विक्रम अपने तय मार्ग से क्यों भटक गया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि विक्रम लैंडर के साइड में लगे छोटे छोटे 4 स्टीयरिंग इंजनों में से किसी एक ने काम न किया हो, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर अपने तय रास्ते से भटक गया। यहीं से सारी समस्या शुरू हुई, इसलिए वैज्ञानिक इसी पॉइंट के स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर में लगे ऑप्टिकल हाई रिजोल्यूशन कैमरा यानी कि OHRC से विक्रम लैंडर की तस्वीर ली जाएगी। ये कैमरा चांद की सतह पर 0.3 मीटर यानी कि 1.08 फीट की ऊंचाई वाली किसी भी चीज़ की साफ तस्वीर ले सकता है। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।